हेलो स्टूडेंट्स, क्लास टेंथ। हमारा चैप्टर चल रहा था सिविक्स का, डेमोक्रेसी। तो अब उसमें हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है काइंड्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है वो दो तरीके की उसमें दो तरीके की डेमोक्रेसी पाई जाती है, जिसमें पहली होती है डायरेक्ट और प्योर डेमोक्रेसी, सेकेंड होती है इनडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी किसे कहते हैं? ऐसी डेमोक्रेसी जिसमें पीपल्स अपने जो भी कार्यकर्ता जो होता है, अपना जो नेता है, वो खुद चुनती है, जिसमें अपना पूरी तरह से कंट्रीब्यूशन देती है, जिसमें अपने नेता को वो खुद चुनती है, इलेक्ट करती है, अपना वोट का अधिकार लेते हुए वो उसको चुनती है, तो उसे हम कहते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। नेक्स्ट आपका इसका सेकंड जो है वो है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या फिर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ऐसी डेमोक्रेसी जहां पर पब्लिक डायरेक्ट तरीके से पार्टिसिपेट नहीं करते हुए अपने रिप्रेजेंटेटिव, इट मींस जहाँ पर अपने चुने हुए प्रतिनिधि, जिन मेंबर्स को हम लोगों ने डायरेक्ट तरीके से चुना है, और फिर उसके बाद हमारे चुने हुए मेंबर्स उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो हम उसे कहते हैं इनडायरेक्ट या फिर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इसमें क्या होता है, जिसे मान लीजिए जहाँ पर डेमोक्रेसी होती है, जिस कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी होती है वहाँ पर ये दोनों काइंड्स मिलते हैं, एक तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी जिस तरह से हम जब प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होता है और उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, उसकी वोटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसे कहते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। और जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो उसके अंदर उसमें जो हमारे चुने हुए, जो इलेक्ट किए हुए जो मेंबर्स होते हैं वो प्रेसिडेंट को चुनते हैं, तो वो जो इलेक्शन की प्रोसेस जो होता है वो कहलाता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इसी तरह से इसके अंदर अलग अलग तरीके से डेफिनेशंस दी गई हैं, जिसमें लॉर्ड बायर्सी कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ रूल इन विच द गवर्निंग पावर ऑफ द स्टेट इज नॉट वेस्टेड इन एनी स्पेशल क्लास और क्लासेस बट इन द मेंबर ऑफ होल सोसाइटी। समाज में डेमोक्रेसी एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसा नियम है जिसके अंदर समाज के सभी मेंबर्स को, सभी क्लास को, स्पेशल क्लास ना रहकर बल्कि सभी क्लास को जो है इम्पोर्टेंस दी जाती है, और पूरी तरह से उन शक्ति अपनी शक्ति के तौर पर उनको गवर्निंग किया जाता है। डायसी कहते हैं डेमोक्रेसी इज़ अ काइंड ऑफ गवर्निंग सिस्टम इन विच मोस्ट पार्ट ऑफ अ नेशन एक्ट एज अ रूलर। डेमोक्रेसी एक ऐसी किस्म की गवर्नमेंट होती है, एक ऐसा सिस्टम होता है जो मोस्ट पार्ट ऑफ अ नेशन, एक मोस्ट पार्ट नेशन के एक्ट के मुताबिक रूलर्स द्वारा चलाया जाता है। नेक्स्ट आपका आता है सिली कहते हैं डेमोक्रेसी इज अ काइंड ऑफ रूल इन विच एवरी टैक्स पार्ट। कि डेमोक्रेसी के अंदर अलग अलग किस्म के जो लोग जो होते हैं, अलग अलग जो किस्म की जो नियम जो होते हैं वो एवरीवन टेक पार्ट, उसमें हर एक कोई उसके अंदर हिस्सा ले सकता है। नेक्स्ट आपका आता है अब्राहम लिंकन, जिसकी डेफिनेशन हम सिक्स क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। डेमोक्रेसी इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। कि जनता जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन जो होता है वही गवर्नमेंट डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहलाती है। अब इन सभी डेफिनेशंस की स्टडी करने के बाद हम इसकी कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताएं पढ़ेंगे, इनके कुछ की फीचर्स होते हैं डेमोक्रेसी के। जैसे कि पहला है गवर्नेंस ऑफ पीपल, ये जनता की सरकार है, जनता द्वारा चलाई जाती है,
गवर्नमेंट मेड बाय पीपल, ये जनता द्वारा बनाई गई गवर्नमेंट होती है। डेमोक्रेटिक रूलर इज़ अ मीन्स ओनली, इट इज़ नॉट द अकम्प्लिशमेंट इन डेमोक्रेसी। द गवर्नेंस इज नॉट कंसीडर्ड एज एन अकम्प्लिशमेंट एवर, इट इज कंसीडर्ड एज अ मीन ओनली। इन फैक्ट ऑफ डेमोक्रेसी इज कंसीडर्ड एज अ मीन्स टू अचीव फॉलोइंग डेमोक्रेटिक अकम्प्लिशमेंट इन अ रिजिम। प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम एंड डिग्निटी, स्टेटिंग जनरल वेलफेयर। ऐसे नियम जिसका मतलब होता है कि सिर्फ एक अकेले के विकास के लिए ना सोचकर इसके अंदर सभी तरीके से सभी लोगों को आज़ादी दी जाती है, उनके प्रोटेक्शन की जाती है, और उसके साथ साथ जो स्टैंडिंग जो होते हैं, मतलब हर किसी के वेलफेयर के बारे में सोचा जाता है, चाहे वो जानकार हो चाहे वो अजनबी हो। गवर्नेंस अकाउंटेबल टू पीपल, और इसके अंदर डेमोक्रेटिक गवर्निंग सिस्टम एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक डोमिनेंस, दस द सिस्टम इज़ अकाउंटेबल टू पब्लिक फॉर इट्स फंक्शन इन डेमोक्रेसी। इट मीन्स If the government sizes individual freedom or doesn't respect public or doesn't work in public interest, then the public can change it। यानी कि अगर जनता की भलाई के लिए कुछ काम नहीं किए जा रहे हैं तो people या public चाहे तो उस government को change कर सकती है और उसके अंदर जो है वो दोबारा से election करवा सकती है। इसको इंडिविजुअल तरीके से उसको फ्रीडम होती है। इसलिए रेस्पेक्ट के साथ पब्लिक जो होती है वो दोबारा इस जो गवर्नमेंट है उसके अंदर चेंज करवा सकती है। नेक्स्ट इसका टॉप पॉइंट है, डेमोक्रेसी इज़ अ डेवलपिंग गवर्नेंस। डेमोक्रेसी एक डेवलपिंग गवर्नेंस है। इन द मॉडर्न एरा डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस हैज़ गॉन थ्रू मैनी स्टेजेस ऑफ द इवोल्यूशन। Initially, it was an individualistic democracy। ये एक अकेले ये जो डेमोक्रेसी जो होती है वो डेवलपिंग गवर्नेंस होती है, यानी कि ये डेवलपिंग तरीके से विकास करने के तौर पर जो है गवर्नमेंट तैयार की जाती है, और इसमें एक अकेले का विकास ना होकर बल्कि सभी के विकास को इसके अंदर शामिल किया जाता है। इसी तरह से अब ये तो आपकी हो गई कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपको पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका है क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। स्कॉलर्स लाइक बर्क हैव कंसीडर्ड टोटल डेमोक्रेसी अशी पॉलिसी। तो क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का जो एग्जामिनेशन है वो काफ़ी क्रिटिकल है, क्योंकि कोई तो इसको सही बताता है और कोई इसको गलत बताता है। इसलिए डेमोक्रेसी के मेरिट्स और डिमेरिट्स दोनों चीज़ों का अध्ययन करना, स्टडी करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को मेरिट्स और डेमोक्रेसी और डिमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी आपको समझाऊँगी।